गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, कुत्तों की समझदारी। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने यह समझा कि आपसी सहयोग से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है। आज हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दोनों कुत्ते पुल के बीच में पहुँचे तो क्या कठिनाई आई। हमने देखा इस कहानी से कि जब दोनों कुत्ते पुल के बीच पहुँचे तो दोनों के बीच यह कठिनाई आई कि अब पहले कौन पुल पार करेगा, क्योंकि पुल काफ़ी संकरा था। अतः संकरा होने के कारण कोई एक व्यक्ति या पशु ही उस पुल से पार हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे कुत्ते को धरती में सूंघता हुआ देखकर पहले कुत्ते ने उससे क्या पूछा। तो इसका आंसर होगा, दूसरे कुत्ते को धरती में सूंघता हुआ देखकर पहले कुत्ते ने उससे पूछा कि क्या तुम किसी की तलाश कर रहे हो। असल में उसने देखा कि वह जो दूसरा कुत्ता था वह कुछ सूंघते हुए रास्ते में चल रहा था, इसलिए उसके सूंघने की क्रिया को देखने से पहले कुत्ते ने उससे पूछा कि क्या तुम इस तरह से जो किसी की गंध को महसूस कर रहे हो तो क्या तुम्हें किसी की तलाश है। तीसरा प्रश्न है, दूसरे कुत्ते ने जब पुल पहले पार करना चाहा तो पहले कुत्ते ने उससे क्या कहा। इसका आंसर होगा, पहले कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को सहयोग देते हुए कहा कि तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं पुल पर बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर पैर रखकर सावधानी से उस पार चले जाओ। आपने चित्र में भी देखा कि किस प्रकार डॉगी नीचे बैठ गया है, पुल पर बैठ गया है, और वह उसके पीठ पर पैर रख कर के उसने सावधानी से पुल को पार कर लिया। अगला प्रश्न है, दूसरे कुत्ते ने वह संकरा पुल कैसे पार किया। इसका आंसर होगा कि दूसरे कुत्ते ने पहले कुत्ते के पीठ पर पैर रखकर सावधानी पूर्वक पुल को आराम से उसने पार कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन है, क्या देखकर पहले कुत्ते की आंखें खुशी से चमकने लगी। तो आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार दूसरे कुत्ते के पुल पार करने के बाद भी उसे गांव के रास्ते को सूंघ कर आगे बढ़ते हुए देखकर पहले कुत्ते को यह विश्वास हो गया कि उसके मालिक का बेटा नदी में नहीं गिरा है। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा कि वह पुल पार करने के बाद भी गांव वाले रास्ते में वह कुछ सूंघ रहा है या उसे किसी चीज़ की गंध आ रही है, यानी उसका मालिक का बेटा जो है वह जीवित है, पुल पार करते समय वह नदी में नहीं गिरा है। यह सोचकर वह पहला वाला जो कुत्ता था वह खुश हो गया और खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। अगला प्रश्न है, इन दोनों कुत्तों की प्रशंसा क्यों हुई। तो आपने देखा कि किस प्रकार उन दोनों डॉगी को दो व्यक्ति वहाँ पर खड़े बहुत देर से देख रहे थे और उन कुत्तों की समझदारी को देखकर वे व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए वे कुत्ते जो थे प्रशंसा के पात्र बने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी सहयोग से कठिन काम भी पूरे किए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा और किससे क्या कहा। पहला है, क्या तुम्हें किसी की तलाश है। यह बात किसने कही थी। यह बात पहले कुत्ते ने
दूसरे कुत्ते से कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ। यह बात दूसरे कुत्ते ने पहले वाले कुत्ते से कहा। आपस के सहयोग से कठिन काम भी पूरे हो जाते हैं। यह बात किसने कही थी? यह बात वहाँ पुल पर खड़े दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह बात एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कही। अब अगला है, क और ख खंड से उचित अंश चुनकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य हैं और यहाँ भी अधूरे वाक्य हैं। इन दो अधूरे वाक्यों को जोड़कर आपको वाक्य पूरा करना है। पहला है, आप कृपा करके मुझे रास्ता दीजिए। दूसरा है, नदी में डूबने का भी भय है। तुम कहाँ जा रहे हो? अब पहले कुत्ते ने भी आराम से पुल पार किया। वे कुत्तों की समझदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह अपने गांव की ओर चला गया। तो इस तरह से ये अधूरे वाक्य थे जिन्हें जोड़कर आपको पूरा करना था। मैंने कुछ वाक्य भी बनाने के लिए आपको दिया है। जैसे यहाँ पांच शब्द मैंने लिखा है। अभी तक मैं आपको एक एक वाक्य बना करके दे रही थी और दूसरा वाक्य आपको बनाना था, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा वाक्य बनाने, इसलिए अब आपको प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाना है और ये काम आपको खुद करना है। पहला शब्द है भय, दूसरा है प्रसन्न, तीसरा है उपाय, चौथा है विश्वास और पांचवा है सहयोग। तो प्रत्येक शब्दों से आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। इन सभी प्रश्न उत्तर को आप अपने क्लासवर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा। आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए और इन शब्दों से वाक्य भी बना लीजिएगा। थैंक यू क्लास।